हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद ए न्यू इंटरेस्टिंग रेसिपी। हम सभी के घर में डिनर के बाद कई कई दिन रोटी रह जाती है, ख़त्म नहीं होता। उसी रोटी से, यानी कि लेफ्ट ओवर रोटी या चपाती से हम ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं। अगर आप ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मेरी चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल का। तो चलिए, ये जितनी सारी ग्रीन वेजिटेबल आपके घर में होगा वो चप करके उसमें या एक या दो अंडे दे दीजिए और सॉल्ट के साथ उसको घोल लीजिए। अगर बच्चे खाए तो चिली स्किप कर सकते हैं। और देन आप एक पैन में थोड़ा सा आप जो तेल यूज़ करते हैं वही ऑयल देके ये अंडा छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको साइड में एक पैन प्लेट में रखिए। देन उसके बाद आप फिर से एक ऑयल, थोड़ा सा ऑयल पैन में दीजिए और लेफ्ट ओवर जो चपाती या रोटी था वो ये पिट करके सेक लीजिए। और वो रोटी के ऊपर जो पहले ही मैंने ये अंडा का ऑमलेट बना कर रखा है वो दे दीजिए और उसको थोड़ा सा फिर से सौते कर लीजिए इधर उधर। तो ऐसे हो गया आपका रोटी का, यानी कि गैस की काम ख़त्म। देन आप उसमें थोड़ा आपके घर में जो भी सॉस होगा वो दे के, और मैं मेल्टेड चीज़ दिया हूँ और मेरे घर में कॉर्न नहीं था इसीलिए मैं बेबी कॉर्न नहीं दे पाई। अगर आपके घर में होगा तो ज़रूर आप वो भी दे दीजिए और बेल पेपर भी दे सकते हैं, मैंने दिया है। और रेडी टू सर्व बच्चों की पसंदीदा होममेड पिज़्ज़ा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर लीजिएगा फ्रेंड्स।